दिखा के खत्म करते रहो उससे मुक्ति हो जाए। जलने लगेगा ना तो थोड़ा सा इधर खड़ा हो जाएगा। केमिस्ट्री का लैब है अभी, इसमें अभी दिखाया गया कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया जो कि कम्बिनेशन रिएक्शन शो करता है। कम्बिनेशन का मतलब उसमें एलिमेंट्स एलिमेंट जुड़ते हैं, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन से जुड़ करके MgO बनाया और वो MgO बेसिक नेचर का होगा। अभी अभी हम लोगों ने जलाया उसको। तरनजीत कौर, क्या बना रहे हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर रहे थे जिसमें मैग्नीशियम को हम एयर से रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपाउंड बनेगा जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी क्योंकि इसमें हाई अमाउंट में हीट इवॉल्व होगा इसलिए। और बस, और ये सैंड, ये जो था ये मैग्नीशियम रिबन था जो कि हम जिसको सैंड पेपर से रब किए थे बर्न करने के लिए क्योंकि वो हिंडर पैदा कर रहा था ये बर्न करने में, इसलिए फिर जब हम उसको रिमूव कर दिए उसका हिंडर तो फिर उसको वो बर्न करने पे वो बर्न हो गया तो रिएक्शन हम लोग का हो पाया है। रिशु सिंह, 10th F। क्या सही, मैग्नीशियम रिबन था और उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ पहले बर्न किया और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और इस मैग्नीशियम रिबन को पहले हम लोग सैंड पेपर से रब किए हैं फिर उसके बाद बर्न किए। व्हाट आर यू डूइंग? हम लोग इसको देख रहे हैं कि आखिर वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आया है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही है हम लोग। क्या नाम हुआ? रुकैया। बबली। किस क्लास में? 10th। शाश्वत, क्या कर रहे हैं? हम लोग फिजिक्स लैब में इमेज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इमेज के बारे में? यस। कैसे, क्या आपने क्या देखा? सर ये जो है ये स्टैंड, ये डिनोट करता है प्रिंसिपल एक्सिस को और ये है, ये पोल है जिस पे कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है और ये स्क्रीन है। तो इसमें है कि वहाँ से जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हमको पता नहीं है कि कितना डिस्टेंस पे है, तो उसको हम इनफाइनाइट लेते हैं और इनफाइनाइट से जो लाइट रेज आती है हमेशा पैरेलल होती हैं और पैरेलल अगर इस कन्वेक्स लेंस पे स्ट्राइक करेंगी तो इसका जो लाइट रेज है हमेशा जाके कन्वर्ज होगा फोकस पे और फोकस पे कन्वर्ज होगा तो इस पे उसका ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा जो कि रियल एंड इन्वर्टेड होता है और उसके बाद हाईली डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट का वो इमेज बनेगा। क्या नाम हुआ? हर्ष शाश्वत। किस क्लास में? क्लास 10th। आप किस क्लास में? 10th D। नाम क्या हुआ? ईशान दिनेश सिंह। आपका? शशांक कुमार सिंह, क्लास 10th। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरेश कुमार राज हुआ। हम बच्चों को जैसे कि वो लोग कॉन्वेक्स लेंस पे इमेज बना रहे हैं कि जो दूर से इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट दूरी से जो ऑब्जेक्ट है जैसे कि वो पेड़ है, तो उन्होंने पढ़ा है कि जो पेड़ का इमेज होता है वो कॉन्वेक्स लेंस में कैसा बनता है कि उल्टा बनता है और छोटा बनता है। अब इसी चीज़ को वो चेक कर रहे हैं कि क्या सही में उल्टा बन रहा है और छोटा बन रहा है, तो इसी चीज़ को वो चेक कर रहे हैं। जो हमारी गर्ल्स हैं
या टेंथ क्लास की, ये चेक कर रहे हैं कि जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा है कि वोल्टेज को बढ़ाने से करंट बढ़ता है और वोल्टेज को घटाने से करंट घटता है, लेकिन हर हाल में हमारा रेजिस्टेंस सेम होता है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए ये गर्ल्स जो हैं वो हमारा एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। हम लोग ओम्स लॉ प्रूव कर रहे हैं। ये हमारा सोर्स है, ये रियोस्टेट है, ये वोल्ट मीटर है और ये एम मीटर है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, यानी वोल्टेज को बताता है, और एम मीटर करंट को बताता है। जैसे जैसे हम इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मोड़ेंगे, वैसे ही करंट, वैसे ही वोल्टेज डिक्रीज होगा और वैसे ही करंट भी डिक्रीज होगा। और जैसे जैसे हम इसे राइट हैंड साइड की ओर मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा और करंट भी बढ़ेगा। और ये वेरिएबल रेसिस्टेंस को बताता है। तो जैसे हम इसको 3 पे ले जाएंगे तो ये 1.5 पे जाएगा, और अगर और इस दोनों का डिफरेंस 2 ओम के इक्वल आएगा, यानी कि ये वेरिएबल रेसिस्टेंस प्रूव हो जाता है। आपका नाम क्या है? जय कुमारी। किस क्लास में? 10th है। आपका? सानिया जहां। किस क्लास में? 10th है। आपका? मनी मंजल। जी, फिजिक्स लैब आप लोग को पर डे मिलता है या फिर कभी कभी? क्या सर? ये जो आप लैब कर रहे हैं पर डे आपको करती हैं या कभी? वीकली हम लोग आते हैं लैब करने। और लैब होता है हम लोग का वीकली। अच्छा लगता है करने? हाँ अच्छा लगता है। सीखने को मिलता है? हाँ सीखने को भी मिलता है। क्या क्या चीज़ आपने सीखा अभी तक? और आगे अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा है। फिजिक्स जो भी चैप्टर होता है उसके हिसाब से जो भी एक्टिविटीज़ बुक में दी रहती हैं वो यहाँ पर कराई जाती है एक्टिविटीज़। टीचर्स का सपोर्ट कैसा है? टीचर्स का भी सपोर्ट अच्छा है, वो लोग लैब कराते हैं, समझ में। माय नेम इज अनिल कुमार। आई एम साइंस टीचर हियर। आई आल्सो ये टीच द स्टूडेंट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द परमानेंट स्लाइड, and that slide is also a given a different type of the knowledge about that animal should be also a contain it. First of all, this student is also a see the Euglena. Euglena is also include in the protozoan phylum. That Euglena is a dwell animals. It can possess plant and the animal characters. Both characters are a pose, and it is a intermediate animals. They have a not a found of the proper organ system. इनके पास proper organ systems नहीं होते हैं. Then after it can include the protozoan phylum. It can also a perform the all basic function. They can perform the all basic function. It can reproduce the asexually. This is the primitive type of the animals. Primitive type of the animals, that means the organ system are not found in the well-developed state. My name is Zaya Dubey. What are you doing? As you seen, we are observing Euglena, which is the animal of protozoan family. क्या सीखा आपने? क्या नाम होगा? सर प्राची कुमारी। प्राची, क्या सीखा आपने? सर इसमें हम लोगों ने सीखा कि कोई भी माइक्रोस्कोप यूज़ होता है कि हम लोग कोई भी एनिमल के बॉडी को देख सकते हैं जो कि हम लोग नेक टाई से नहीं देख सकते हैं। और ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका पावर 2000 से लेके 10000 एक्स तक हम लोग देख सकते हैं। और इसमें प्लांट बॉडी को और हम लोग जूम करके उसके और ऑर्गन्स को पढ़ सकते हैं। क्या किस क्लास में? 9th। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर हम लोग यहाँ पे वाइट ब्लड सेल को देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, जो हमारे नॉर्मल आईज से नहीं दिखते हैं। और सर वाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी में डिजीजेस से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कुमारी प्राची, 9th B। क्या है WBC? वाइट ब्लड सेल्स, जो कि फाइट करता है जर्म से और हेल्प करता है हम लोग को डिजीज से बचाने में। हम लोग यहाँ पर एनिमल्स के डिफरेंट कैटेगरीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि फॉर्मल्डिहाइड को केमिकल को इसमें रखा हुआ है। इसकी वजह से मतलब जो भी हम लोग एनिमल्स इसमें रखते हैं उसके पार्ट्स अलग नहीं होते हैं, वो मतलब हम लोग उसको रख करके लॉन्ग टाइम तक उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या हम लोग इसमें रख सकते हैं उसको। तो मैं
हम यहाँ क्रैब को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो एक्वेटिक एनिमल के कैटेगरी में आता है, जो ऑर्थोपोडा कैटेगरी से बिलोंग करता है. ऑर्थो मीन्स होता है जॉइंट एंड द पोडा मीन्स लेग्स. ये सीज और ओशियन में फाउंड होता है. वंदना कुमारी, 9th B. माय नेम इज़ रुचि कुमारी, आई एम फ्रॉम स्टैंडर्ड 9th A. So we have put a permanent slide under the microscope for seeing the prokaryotic cell. So as we already know, prokaryotic cell is not well defined, has not well defined nucleus. It is not bounded with nuclear membrane. For that thing we are seeing it under the microscope. So हम लोग इसको इसके parts को microscope के अंदर रख करके उसके different parts के बारे में जान सकते हैं, उसका knowledge ले सकते हैं. फॉर दैट थैंक यू सर. टीचर सपोर्ट में सर? यस, टीचर सपोर्ट सर बहुत अच्छा होता है. हमारे जो बायोलॉजी के या फिर कोई भी टीचर्स हो गए, वो सब हमें इतने अच्छे से समझाते हैं फॉर प्रैक्टिकल थ्योरी एंड ऑल, सब बहुत अच्छे से हमारा कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है. और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी टीचर्स ऐसे ही हैं, सेम थिंग. थैंक यू सर. क्या नाम है सर? रुचि कुमारी, फ्रॉम स्टैंडर्ड 9th A. ये एमुबा है, एमुबा सिल्क हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा. सर दिस इज एमुबा. एमुबा इज एनिमल ऑफ प्रोटोजोन. देर इन देर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. ईच पार्ट्स क्रिएट इंटू अ एमुबा. क्या पढ़ा रहे हैं आज बच्चों? ये क्या है, लैब क्या? ये मैथ लैब है. अच्छा, मैथ लैब जी. क्या बता रहे हैं बच्चों? ये एक्चुअली 3 dimensional ऑब्जेक्ट्स के बारे में है और विजुअली इनको दिखाया जा रहा है कि 3 dimensional ऑब्जेक्ट होते कैसे हैं. सिलिंड्रिकल, क्यूबिकल, कोनिकल, स्फेरिकल. तो अगर विजुअली देख लेंगे तो इनके माइंड में उसका फिगर बन जाता है. लेकिन अगर केवल क्लासरूम में डायग्राम बताया जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. तो ये सब यहाँ पे इन लोगों को दिखलाया जा रहा है उसका. थैंक यू. क्या नाम आपका? सर माय नेम इज रुपेश कुमार सिंह. क्या कर रहे हैं सर? यहाँ पे हम लोग, मेरे पास मतलब क्यूब अभी हम देख रहे हैं. सर ने हमें अभी इस क्लास में, हम 11th क्लास के हैं, और सर ने अभी हमें मतलब बताया कि इसका LSA, TSA, TSA 6A² LSA 4A² और इसका वॉल्यूम ए क्यूब होता है. होता है तो ये तो ठीक है, ये थ्योरी में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन क्यों होता है ये सर ने अभी हमें बताया. जैसे TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब स्क्वायर क्यूब में 6 साइड होते हैं. एक से हम लोग जानते हैं जैसे स्क्वायर का सरफेस एरिया होता है A², तो 6 साइड का हो गया 6A². LSA जैसे LSA में 4 साइड होते हैं, 1, 2, 3, 4, ऊपर वाला और नीचे वाला साइड को नहीं लेते हैं हम लोग, तो 4A² हो गया. और जैसे वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम को एज हम लोग एरिया इंटू हाइट भी ले सकते हैं. तो सर इसका एरिया होगा A² और क्यूब का, ताकि एरिया, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होता है, तो ए भी उसमें A² में A से मल्टीप्लाई करते हैं तो A³ उसका वॉल्यूम हो जाता है. और सर और भी काफ़ी सारे शेप हैं, उसको भी हम लोग. माय नेम इज़ अमय प्रताप सिंह. क्या सीख रहे हैं? क्या लिए क्यूबॉइड है? क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड का हम लोग जैसे सर बता रहे थे, क्यूबॉइड का जैसे कि बता रहे थे कि हम लोग क्लास में केवल उसका फिगर देख के हम लोग नहीं पता कर सकते हैं कि ये इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया नहीं निकल पाता. तो यहाँ पे सर बता रहे थे कि जैसे कि TSA मतलब दोनों साइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट हम लोग मेज़र करते हैं TSA में. तो इसका TSA हो गया 2 times ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, और इसका CSA जो होता है. किस क्लास में? 11th में सर. अच्छा, 10th पास करने के बाद 11th में आप इसी में क्यों रह गए, ऐसा क्या है इसमें? सर इस मतलब हम यहाँ 10 साल से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ का मतलब जो पढ़ाई का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है. यहाँ पे टीचर भी बहुत अच्छे मिलते हैं, तो सो हम यहीं पर रह गए. क्या नाम आपका? सर रश्मिता कुमारी. क्लास? सर 11th. क्या क्या आज पढ़ रहे हैं? सर अभी हम लोग 3 dimensional शेप हम लोगों को सर दिखा रहे थे. तो ये मेरे हाथ में अभी सिलेंडर है, तो इसके बारे में हम लोग जान रहे थे. तो जैसे कि इसका वॉल्यूम के बारे में हम लोग जाने, तो इसका फॉर्मूला πr²h होता है. पाई का वैल्यू तो हम लोग सब जानते हैं, 22/7, एंड रेडियस इसका जो हाफ सर्किल का रेडियस सर्किल से जानते हैं हम लोग, और उसका स्क्वायर करके और फिर उसका हाइट निकाल करके इसमें हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं कि इसमें कितना पानी या फिर इसमें हम कुछ भी डालेंगे तो इसमें कितना अट सकता है, ऐसा कुछ हम लोग इसमें पढ़ रहे थे. क्या नाम है? माय नेम इज़ काजल कुमारी. 11th क्लास. हम यहाँ पे क्यूब पढ़ रहे हैं. इसका टोटल सरफेस एरिया 6A
सिक्स ए क्यूब होता है और इसका सी एस ए कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है और थ्री डायमेंशन शेप के बारे में हमें सर पढ़ा रहे थे आज। क्या नाम है? आशुतोष सागर। क्या सीखे सर? सर ये हम लोग मैथ लैब में डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स सीख रहे हैं, जैसे कि ये ट्रेपीजियम है, इसमें दो साइड्स पैर, सब 12 क्लास में? यस नहीं, 11th क्लास। 11 यस सर। तो इसमें ये दो साइड जो होते हैं पैरेलल होते हैं और दो साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यही पर मतलब बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स हैं, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें वन एक एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का होता है। मतलब बहुत सारे मतलब ये हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं डिफरेंट टाइप, जो हम लोग फिगर मतलब बोर्ड पर नहीं सीख सकते वो हम लोग यहाँ पर मतलब प्रैक्टिकल के थ्रू सीख रहे हैं। और इससे हम लोग का नॉलेज बहुत अच्छा होता है, हम लोग क्लियर हो जाता है क्या हम लोग सीख रहे हैं, इससे बहुत मतलब तुरंत माइंड में अच्छे से चला जाता है। हमको एक डाउट था आयोटा के तहत में, जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक बनता है, और जो स्पेशल टाइप के होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो नॉर्मल फैक्टराइजेशन या स्क्वायर मेथड चाहे श्रीधराचार्य मेथड से नहीं बन पाता। तो उसी के लिए एग्जांपल में एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें आयोटा का जरूरत पड़ता है और आयोटा का वैल्यू होता है अंडर रूट माइनस वन। सर यही बताएं।